दोस्तों लाइव क्लास एक्सपीरियंस के लिए फॉलो कीजिए हमारे अन अकेडमी के प्लस कोर्सेज को जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जा रहा है। अब देखिए सीखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको हम वीबीटी के नाम से भी जानते हैं। वीबीटी के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वीबीटी के बारे में अगर हम थ्योरेटिकल बात करें तो देखो थ्योरेटिकल बात यही है कि ये कहती है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है मेटल और लिगेंड के बीच में। मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए ताकि उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 और dsp2 पॉसिबल है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये हमें लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में सीरीज बताती है। इस सीरीज को याद रखना है अगर आप वीबीटी के बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। क्या क्या प्रॉब्लम वो मैं भी बताता हूँ आपको, लेकिन इसको याद रखना ये लिगेंड्स है जिनको स्ट्रॉन्ग कहा जाता है और ये बाकी सारे लिगेंड्स हैं जिनको वीक लिगेंड कहा जाता है। तो बस आपने इतना ध्यान रखना है कि एटम के पास प्रॉपर नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए अगर उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, और लिगेंड स्ट्रेंथ क्या है इस पॉइंट को यहाँ याद रखना। अब जैसे सपोज K4 एफिशिएंट 6, K3 एफिशिएंट 6, यहाँ पर हमें बॉन्डिंग बतानी है, काफ़ी सारी चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो यहाँ आयरन है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्व करके +2 आएगी और बाहर की चीज़ों को भूल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों पर ध्यान देंगे। आयरन का कॉन्फिग्रेशन होता है 3d6 4s2, और आयरन +2 का कॉन्फिग्रेशन होगा 3d6 4s0। फोर्थ में एस सब शेल होगी, अपने आप पी सब शेल भी लिख देंगे, अपने आप डी सब शेल भी लिख देंगे। अब हमारे पास है एक 3d को मैं यहाँ पर फ्रेम कर देता हूँ कि ये है 3d। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, वो भी हमने यहाँ लिख दिया। एक है आपके पास 4s, एक है आपके पास 4p और एक है आपके पास 4d। इस तरह से ये यहाँ पे सब शेल प्रेजेंट हैं। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि डी में है 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दिए। अब इनमें बॉन्डिंग किस तरह से होनी है देखना, जरा गौर से देखना। अब 6 साइनाइड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो d2sp3 या sp3d2, ये दो पॉसिबिलिटी हैं। सबसे पहले 6 साइनाइड लिगेंड आएंगे। अब ध्यान रखना इनको बॉन्डिंग के लिए एक s ऑर्बिटल खाली चाहिए, 3 p ऑर्बिटल चाहिए और 2 d ऑर्बिटल चाहिए। अगर 2 d ऑर्बिटल अंदर वाले मिलते हैं तो d2sp3 होगा, बाहर वाले मिलते हैं तो sp3d2 होगा, लेकिन चाहिए इतने ही 1s, 3p और 2d। अब 6 साइनाइड आएंगे और साइनाइड यहाँ पर मेटल में अंदर की तरफ जाएंगे और ये देखेंगे कि क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड ऑर्बिटल खाली हैं। इनको एक s चाहिए, 3p चाहिए, 2d चाहिए। अंदर तक जाएंगे, देखेंगे क्या ऑर्बिटल खाली है। वहां पर साइनाइड ने देखा कि भाई अंदर ऑर्बिटल खाली नहीं है, लेकिन बाकियों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अगर अंदर ऑर्बिटल खाली नहीं है तो साइनाइड के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये बाहर के ऑर्बिटल sp3d2 को ऑक्यूपाई कर ले, या फिर ये इतना ताकतवर हो कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करा दे और रिपेल करा के अपने लिए जगह खाली कर दे। अब साइनाइड इस सीरीज को देखें ध्यान से, मैंने कहा था ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। साइनाइड एक स्ट्रॉन्गर लिगेंड है और स्ट्रॉन्गर लिगेंड होने की वजह से ये इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और इन्हें पेयर करवाता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपेल होते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन बचती है। कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ रहेगी कि यहाँ पेयर हो गया, यहाँ पेयर हो गया, अभी ऑर्बिटल खाली बच गए। अब 6 साइनाइड, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, और इस तरह से d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर ऑब्जर्व होगी। अगर ये वीक लिगेंड होता तो ये रिपेल नहीं करवा सकता था और उस केस में sp3d2 होती, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड था इसने रिपेल करवा दिया। अब देख सकते हैं एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सबस्टांस कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर हमने देखा कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनको पेयर करवा दिया गया। जब कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाएंगे उसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से पहचाना जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अगर आने वाला लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा देता है तो ऐसा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हाइपर लिगेट कॉम्प्लेक्स के नाम से पहचाना जाता है। हाइपर लिगेट उसको नाम वहां पे दे दिया जाएगा, इस तरह से इसको याद रख लो। और इस तरह से आपसे पूछें कि ये कलर्ड होगा या कलरलेस। कलर्ड होने के लिए कंडीशन है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का होना कम से कम, या अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसा होगा, कलरलेस इस कंपाउंड को यहाँ पे कहा जाएगा।
तो इस तरह से आपने K4FeCN6 के केस को समझना है। अब जरा यहीं पर एक और केस समझिएगा। मैं कहता हूं आपके पास है K4FeCl6, ये आपके पास है। अब जरा इसकी बॉन्डिंग को समझिएगा। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा और बिल्कुल इसी की तरह कॉन्फ़िगरेशन 3D6 4S0 4P0। तो सपोज ये मैं यहाँ पर बनाता हूँ डी सब शेल और इस डी सब शेल में है 5 ऑर्बिटल, D6 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये है आपके पास 4S, ये है आपके पास 4P और ये है आपके पास 4D। ये चाहे खाली ही हैं बट लिखा D में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, मैंने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दिया, 4S 4P 4D खाली है। अब प्रोसीजर ये है कि लिगेंड आएंगे, 6 लिगेंड हैं, अंदर तक जाएंगे। अब 6 लिगेंड को एक S चाहिए, 3P चाहिए और 2D चाहिए। 6 क्लोराइड आते हैं अंदर तक और देखते हैं अंदर वाले D ऑर्बिटल खाली नहीं है। जब अंदर वाले D ऑर्बिटल खाली नहीं है तो क्या ये क्लोरीन इसको रिपेल करा सकते हैं, इनको रिपेल करवा के अपने लिए जगह खाली बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि क्लोरीन एक वीक लिगेंड है, वाटर के बाद वाले वीक हैं, ये इसको रिपेल नहीं करवा सकता। जब रिपेल नहीं करवा सकता तो इसके पास ऑप्शन एक ही है कि ये बाहर के ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर ले और इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहेंगे, sp3d2। तो इस केस में, पहले केस में D2 sp3 क्यों थी और बाहर बाद वाले में sp3 D2 क्यों है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था और ये वीक लिगेंड है। ऐसे कॉम्प्लेक्स को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि बाहर वाले ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक रहेगा, पैरामैग्नेटिक कहेंगे क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कंपाउंड कलर्ड होगा। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पिन नहीं हुई तो इसको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि लिगेंड ने पेयर अप नहीं करवाया, इसे हम हाइपोलिगेट कॉम्प्लेक्स के नाम से पहचानते हैं। तो हाइपर लिगेट जो पेयर करवा देता है, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हुए हैं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, अगर पेयर नहीं हुए तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, अगर अंदर वाले डी ऑर्बिटल हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से साथ के साथ याद रखने की जरूरत होगी। ऐसे हमारे पास ये एग्जाम्पल हो गए। अब इसके बाद जरा एक दो एग्जाम्पल को और समझने की कोशिश करना और फिर देखना कि आपके जवाब क्या आते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कहता हूँ NiCO6 ये आपके पास है और एक आपके पास NiH2O6 ये कॉम्प्लेक्स आपके पास है। जरा गौर से समझना। निकल का कॉन्फिग्रेशन 3D8 4S2 क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अब फोर्थ शेल में PB होगी, DB होगी, वो अंडरस्टूड है। तो हमारे पास D सब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये है D सब शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये है हमारे पास 4S और यहाँ है हमारे पास 4P और यहाँ है 4D, ये हमने यहाँ पर पहले बना दिया। अच्छा, ये चलो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए, तो मैं ऐसा करता हूँ दूसरे कॉम्प्लेक्स के लिए भी यहाँ पर साथ के साथ बना ही देता हूँ ताकि हम इकट्ठा ही चीजों को एक्सप्लेन कर दें। दूसरे कॉम्प्लेक्स के लिए भी ये हो गया उसका 3D, ये हो गया उसका 4S और ये हो गया 4P और इधर हो गया 4D, ये हमने साथ के साथ यहाँ पर बना दिए दोनों के लिए। सबसे पहले हम ऊपर वाले केस में बात करेंगे, 3D8 4S2 है, डी सब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो आप समझ सकते हैं इसको इस तरह से भरेंगे, ये यहाँ पर 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन, एस में है 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इस केस में भी डी में 8 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने उसको यहाँ फिलअप कर दिया, ये है एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा कंडीशन देखना, 6 कार्बोनिल आएंगे। अब 6 लिगेंड को एक एस चाहिए, 3 पी चाहिए, 2 डी चाहिए। अब जब 6 कार्बोनिल लिगेंड आएंगे तो देखेंगे अरे एस ऑर्बिटली खाली नहीं है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब कार्बोनिल कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये यहाँ से इनको रिपेल कराएगा और रिपेल करवा के इनको पिछले वाले ऑर्बिटल में भेज देगा और इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी। और अब एक कार्बोनिल यहाँ, 3 यहाँ 2 यहाँ और इस तरह से sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ये डायमैग्नेटिक कहलाया जाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ये कलरलेस होगा, क्योंकि ये बाहर वाले ऑर्बिटल हैं तो इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाया हाइपरलिगेट कॉम्प्लेक्स होगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा। लेकिन दूसरे केस में यहाँ पर 6 वाटर लिगेंड है,
वाटर लिगेंड आएंगे, देखेंगे डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो चलो एस ऑर्बिटल को रिपेल करके एस ऑर्बिटल तो खाली कर लें। लेकिन वाटर कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड होने की वजह से ये एस ऑर्बिटल को खाली नहीं कर पाएगा, और अगर एस ऑर्बिटल ही खाली नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं होगी। तो हम कहेंगे यहाँ पर कंपाउंड नहीं बनेगा, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इस तरह से आपने इन चीजों को समझना है, स्ट्रक्चर बनाने हैं। ऐसे ही अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ध्यान रखना दो पॉसिबिलिटी हैं, एक DSP2 और एक है SP3। DSP2 में स्केयर प्लेनर और SP3 में टेट्राहेड्रल, ये ज्योमेट्री यहाँ पर बनती है। DSP2 में एक डी ऑर्बिटल चाहिए होगा, एक S चाहिए होगा, दो P, और SP3 के अंदर एक S चाहिए होगा और तीन P ऑर्बिटल यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको दो कंपाउंड दिए गए हैं, देखते हैं निकल, निकल का कॉन्फ़िगरेशन, अब ये निकल प्लस 2 हो जाएगा, निकल का कॉन्फ़िगरेशन 3D8, 4S0, 4P0, यहाँ तक इतने तक लिखना सफिशिएंट है। अब D में फिर से यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, S है आपके पास, फिर है आपके पास P। Now you can understand, D में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमने इन 8 इलेक्ट्रॉन को S से फिलअप कर दिया, ये हो गया, और ये 4S है, ये 4P है। Now अब आप समझ सकते हो 4 साइनाइन है, कैसे लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग कर्व। अंदर तक आएंगे, अब देखो 4 के केस में या तो हमें एक डी चाहिए, एक एस चाहिए और दो पी ऑर्बिटल, या हमें एक एस चाहिए दो और तीन पी ऑर्बिटल, तो ये SP3 बनाएगा, यहाँ ये DSP2 बनाएगा। साइनाइड आएगा, देखेगा डी ऑर्बिटल खाली है या नहीं, उसको दिखता है डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर वो इसको रिपेल करा दे तो डी खाली हो सकता है। अब साइनाइड क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिपेल करा देता है और रिपेल करा के अपने लिए जगह खाली करता है, और इस तरह से DSP2, और इस वजह से स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्केयर प्लेनर। पैरामैग्नेटिक नहीं है, डायमैग्नेटिक है, कलरलेस है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाइपर लिगेट इसको कहा जाएगा। अब यही केस यहाँ पर अप्लाई कीजिए, यहाँ पर भी निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2, अगर ये +2 है तो आई कैन अंडरस्टैंड ये होगी डी सबशेल, जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, डी सबशेल हो गई यहाँ पे। इसके बाद है आपके पास 4s, इसके बाद है आपके पास 4p। अब फिर वही 4 क्लोरीन आएंगे, क्लोरीन लिगेंड आएंगे, अंदर तक जाएंगे, अंदर डी ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है, क्या ये खाली करवा सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन एक वीक लिगेंड है, खाली नहीं करवा सकते, तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और हम कहेंगे ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक रहेगा, और क्योंकि दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर्ड भी रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अप नहीं हुआ तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड ने पेयर नहीं करवाया तो इसको हम हाइपोलिगेट कॉम्प्लेक्स के नाम से पहचानेंगे। इस तरह से ये हम पॉइंट यहाँ पर याद रखें। ऐसे ही हमें हर तरह के केस को याद करने की कोशिश करनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लो, स्कैंडियम है आपके पास, स्कैंडियम है, वाटर है 4, चार्ज है +2। यहाँ देख लो, स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी, और स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पर इसके पास 3D1, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, फिर 4s और 4p ये यहाँ पे रहेगा। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि अब 4 लिगेंड है, लिगेंड पहले अंदर तक आएंगे, अंदर देखा उनको तो ऑर्बिटल खाली है, अब चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, अगर अंदर ऑर्बिटल खाली है तो कोई परेशानी नहीं है। 4 लिगेंड को एक डी ऑर्बिटल चाहिए, एक एस चाहिए, दो पी चाहिए, अब डी में तो 5-5 ऑर्बिटल खाली है, लेकिन आपको तो कितना चाहिए, सिर्फ एक, तो 4 वाले एक डी, एक एस, दो पी, और इस तरह से DSP2 रहेगा। अंदर वाला ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक होगा, कलर्ड होगा, इसको हम लो स्पिन हाई स्पिन में से कंसीडर नहीं करेंगे, हाई स्पिन ही छोड़ देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसने पेयर अप नहीं होने दिया तो ये लो स्पिन तो नहीं कहलाया जाएगा, इसको आप हाई स्पिन जरूर कह सकते हैं। तो इस तरह से आप इस बेसिस पे आने वाले सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी है आप इन चीजों को यहाँ पर पहले अच्छे से याद रखो कि ये क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं,
आपको हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दें जहां इसके बेसिस पे क्वेश्चंस का पीडीएफ देंगे और उस क्वेश्चन के पीडीएफ को आपने सॉल्व करना है, उनके आंसर भी आपको साथ के साथ बताने की कोशिश करेंगे। इस तरह से ये थी हमारी वैलेंस बॉन्ड। देखिए बच्चों, बात करते हैं हम हमारी अगली थ्योरी जिसको सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बहुत सारे बच्चे उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं, ये बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको डी ऑर्बिटल की शेप के बारे में जानना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं डी ऑर्बिटल 5 तरह के हैं, 3 डी ऑर्बिटल जहां लोब्स मिडवे द एक्सिस होते हैं और 2 डी ऑर्बिटल जहां लोब ऑन द एक्सिस होते हैं। जो मिडवे द एक्सिस है इनको हम टी टू जी कहते हैं, जिसका मतलब ट्रिपली डिजनरेट, और जो ई जी होते हैं ये ऑन द एक्सिस है, इनको हम डबल डिजनरेट ऑर्बिटल के नाम से पहचानते हैं। तो याद रखिएगा, अगर मैं कभी कहता हूँ कि ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं तो इसका मतलब ऑर्बिटल अलोंग ई जी ही आएंगे, और अगर मैं ये कहूंगा कि अगर ऑर्बिटल मिडवे द एक्सिस आ रहे हैं तो इसका मतलब वो टी टू जी के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर मैं एक बार आपको सी एफ टी की बेसिक बात बताता हूँ। देखिए क्या होता है, आपके पास कोई भी मेटल होता है, जब तक बॉन्ड नहीं बना उसके सभी डी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है, ऐसे डी ऑर्बिटल को डीजनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। जैसे जैसे लिगेंड मेटल की तरफ आता है इसके इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है और ऑर्बिटल की एनर्जी पहले से बढ़ती है, इसे बैरी स्टेट के नाम से पहचानते हैं। सभी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती है लेकिन फिर भी सभी की एनर्जी बराबर रहती है, तो बैरी स्टेट में ग्राउंड स्टेट से ज्यादा एनर्जी होती है बट स्टिल सभी की बराबर होती है। जब ये और ज्यादा नजदीक आ जाता है तो यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल 2 सेट में टूट जाता है। अब ऑक्टाहेड्रल यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में आने वाले लिगेंड अलोंग द एक्सिस आते हैं। आने वाले लिगेंड अलोंग द एक्सिस आएंगे तो जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होंगे उनको ज्यादा रिपल्शन मिलेगा और उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ईजी की एनर्जी ज्यादा और टी टू जी की एनर्जी यहाँ पे कम होती है। इस प्रोसेस को हम सी एफ एस सी यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, और इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसको हम सी एफ एस सी यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी के नाम से या डेल्टा ओ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहा जाता है। इस तरह से ये हमारे पास सी एफ एस सी डेल्टा ओ इन सभी बातों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है, ये यहाँ पर बनता है। ऐसे ही अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में क्या फर्क रहेगा। मैं पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का डायग्राम बना दूं कि हमने कहा था पहले 5 डी ऑर्बिटल हैं, उनकी एनर्जी बराबर है, फिर क्या होता है 2 डी ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और 3 डी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर। और यहाँ पर आने वाले लिगेंड की मैंने डायरेक्शन क्या बताई थी, डायरेक्शन थी टुवार्ड्स द एक्सिस और टुवार्ड्स द एक्सिस ईजी थे, तो इसीलिए उनकी एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी डिफरेंस को हमने डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट किया। अब ऐसे ही अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी डी ऑर्बिटल होंगे जिनकी एनर्जी आइडेंटिकल होगी, जैसे जैसे लिगेंड आएंगे इनकी एनर्जी बढ़ेगी और इसको हम बैरी स्टेट के नाम से पहचानेंगे, और फिर उसके बाद जब लिगेंड्स पूरी तरह से पास आ जाएंगे तो ये टूट जाएंगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आने वाले लिगेंड मिडवे द एक्सिस आते हैं और मिडवे द एक्सिस आने की वजह से जो ऑर्बिटल मिडवे द एक्सिस होते हैं यानी टी टू जी की एनर्जी ज्यादा और ई जी की एनर्जी कम होती है। यहाँ गौर करना, इस एनर्जी डिफरेंस को डेल्टा टी यानी सी एफ एस सी को टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। मैंने जानबूझ के यहाँ पर ये गैप इतना ज्यादा बनाया है, यहाँ पर ये गैप कम बनाया है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सी एफ एस सी बहुत कम होती है। जहां तक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की सी एफ एस सी की बात है, अप्रोक्सीमेटली 4/9 डेल्टा ओ, या आप कह सकते हो हाफ ऑफ डेल्टा ओ, यानी ऑक्टाहेड्रल के कंपेरिजन में ये सी एफ एस सी यहाँ पर हाफ होती है। इतना ये डिफरेंस यहाँ पर अच्छे से समझ लो, ये डिफरेंस अच्छे से जान लो। फिर बारी आती है कि इनके आपने कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं, किस तरह से आप कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अब सीखो। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और किस तरह से आपने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है, जिसकी वजह से आपकी गलती जो होती थी आज के बाद वो गलती बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ पर ये है आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ये है आपके पास इनका स्ट्रक्चर। ये डी ऑर्बिटल, ये बैरी स्टेट, ये ईजी हो गया, ये टी टू जी हो गया। अब देखो अगर कॉन्फ़िगरेशन है आपका D1, अगर कॉन्फ़िगरेशन है आपका D1, D1 का मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। अब इलेक्ट्रॉन टी टू में जी में जाएगा या ईजी में, अब वो कहता था कि इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल में आएगा, तो हम कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन T2G1 EG0, T2G में एक इलेक्ट्रॉन है और ईजी में नहीं है। तो अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है D2 का मतलब यहाँ पर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इधर आएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा T2G2 और EG0 ये रहेगा। और अगर D3 है तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
और उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगरेशन और ये हम समझेंगे T2G3EG0 हमारे पास रहेगा। लेकिन अगर D के अंदर आता है अब एक और इलेक्ट्रॉन, यानी अब आता है यहाँ पर एक फोर्थ इलेक्ट्रॉन। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी, या तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G में आए, पेयर अप हो जाए, या फोर्थ इलेक्ट्रॉन EG के अंदर चला जाए। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अप होता है तो उसको एक एनर्जी चाहिए जिसको पेयरिंग एनर्जी कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो उसको एनर्जी चाहिए जिसको CFSE कहा जाता है। अगर पेयर होता है तो उसको पेयरिंग एनर्जी चाहिए, अगर एक्साइट होता है तो उसको CFSE चाहिए। होगा वही जो यहाँ पर जिसमें कम एनर्जी चाहिए होगी, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं लेट पहली कंडीशन है जहाँ पेयरिंग एनर्जी लेस है CFSE से, पेयरिंग एनर्जी कम है CFSE के कंपेरिजन में। ये मैंने पहली कंडीशन मान ली, यानी इलेक्ट्रॉन अगर पेयर होता है तो पेयर होने में कम एनर्जी लगती है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा। तो इस तरह से D4 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, T2G4EG0 ये बनेगा। इस कंडीशन को हम लो स्पिन, इस कंडीशन को हम लो स्पिन और स्ट्रॉन्ग फील्ड सिचुएशन के नाम से पहचानते हैं। लो स्पिन और स्ट्रॉन्ग फील्ड सिचुएशन इसको कहा जाता है। अगर D5 होता तो पांचवें इलेक्ट्रॉन भी यहां पर पेयर अप हो जाता, T2G5EG0 ये कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाई पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, CFSE कम है, अगर CFSE कम है तो ध्यान रख लो एक्साइटेशन होगा। देखो पेयरिंग एनर्जी कम है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हमने कहा कि पेयरिंग होगी, लेकिन अगर CFSE हमारी कम है तो वहां पर एक्साइटेशन होगा। और इसको हम किस तरह से दिखाएंगे, देखो अगर D4 है हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर पेयर अप नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, इधर आएगा और कॉन्फ़िगरेशन T2G3EG1 ये रहेगा। ऐसे ही अगर आपके पास D5 होगा तो ये भी एक्साइट हो जाएगा, T2G3EG2 ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। इसे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या वीक फील्ड सिचुएशन के नाम से पहचानते हैं, वीक फील्ड सिचुएशन इसे कहा जाएगा। तो इस तरह से आपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीख लेना है कि इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखे जाएंगे, ये बताए जाएंगे। तो लो स्पिन के लिए कंडीशन क्या होगी, पेयरिंग एनर्जी का कम होना, हाई स्पिन के लिए पेयरिंग एनर्जी का ज्यादा होना, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए पेयरिंग एनर्जी का कम होना और हाई स्पिन वीक फील्ड के लिए पेयरिंग एनर्जी का ज्यादा होना। अब इसी चीज को अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ समझते हैं तो जरा एक बार जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक बार यहीं पर साथ के साथ उस चीज को हम सीख लेते हैं। मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताए थे, डायग्राम बताए थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में डी ऑर्बिटल होंगे, फिर इसमें बैरी स्टेट आती है जहां पर एनर्जी बढ़ती है, और उसके बाद 3 d ऑर्बिटल ऊपर की तरफ जाते हैं और 2 d ऑर्बिटल नीचे की तरफ रहते हैं, एनर्जी डिफरेंस कम होता है, T2G EG इसको कहा जाता है। अगर यहाँ D1 है, D में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप समझ सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन EG1 T2G0 रहेगा। अगर D में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो समझ जाओ यहाँ आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन EG2 T2G0 रहेगा। लेकिन अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो अब डिपेंड करेगा कि पेयर हो या बाहर जाए, ऊपर जाए। अगर पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो पेयर होगा, और अगर CFSE कम होगी तो ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर इस बात को मैंने पहले ही बताया था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSE बहुत कम होती है, लो CFSE होने की वजह से यहाँ पर हमेशा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है। तो D3 के केस में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन EG में आएंगे तो और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। अगर ये D4 होता तो 2 इधर ही रहते, 2 ऊपर चले जाते, EG2 T2G2 ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बनता। तो ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ जाने चाहिए, कहाँ पर ये लो स्पिन है, कहाँ हाई स्पिन। अब टेट्राहेड्रल में क्या हो रहा है, हाई स्पिन हो रहा है। क्वेश्चन आ गया कि हमेशा हाई स्पिन ही क्यों बनाता है, तो जवाब है क्योंकि यहाँ पर लो CFSE होती है इस वजह से। अब जरा यहाँ पर एनर्जी चेंज को काउंट करना सीख लो, एनर्जी चेंज का फार्मूला। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल है, तो 0.6 इंटू नंबर ऑफ ईजी इलेक्ट्रॉन माइनस 0.4 नंबर ऑफ T2G। ध्यान रखना 0.6 इंटू नंबर ऑफ ईजी इलेक्ट्रॉन माइनस 0.4 इंटू नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला है। जैसे D4 T2G3 EG1, यहाँ EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो दिस इज 0.6 इंटू 1, ये रहा 0.4 इंटू नंबर ऑफ T2G कितने हैं, 3, ये हमने इसको यहाँ से सॉल्व कर लिया, ये माइनस 0.6 आपके पास जवाब आ गया।
यहाँ देखिए Eg में 0 है तो 0.6 into 0 फार्मूला सामने है ध्यान रखना, और यहाँ पर 0.4 into 4 इस तरह से -1.6 आ गया। यहाँ Eg में अगेन 0 है और फिर ये 0.4 into 5 और ये आपका -2, इस तरह से ये आपके पास जवाब आ गया। तो रिलेटिव एनर्जी डिफरेंस इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहाँ पर हो गया 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G माइनस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ये रहेगा। बस अब इस तरह का क्वेश्चन है, उससे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ देख लो T2G में कितने हैं 2, सो आई कैन से 0.4 इंटू 2 माइनस 0.6 इंटू EG यानी 2 सॉल्व हो जाएगा। यहाँ T2G में 0 है 0.4 इंटू 0 और ये माइनस 0.6 इंटू 4 ये हो गया। यहाँ T2G में 1 है 0.4 इंटू 1 और ये 0.4 इंटू 4, इस तरह से आप इस बात को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ माइनस 0.4 जो भी जवाब आएगा उस जवाब को लिखा जा सकता है। इस तरह से ये थी आपकी CFSE सभी न्यूमेरिकल, सभी टॉपिक, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इसी के ऊपर आएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2019 प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिए, आइसोमेरिज्म वहाँ पर आपको डिटेल में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में हम आपको उसका लिंक जरूर देंगे। देखते रहिए हमारे ऐसे वीडियोज को, मिलेंगे अगली क्लास में।